गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए हम आपको यहाँ पे 11.3 कल पढ़ा दिए थे। ये हम कक्षा 6 का गणित पढ़ रहे हैं। जिसमें हम 11.3 कल लगाए थे, जिसमें हम क्या लगाए थे, 11.3 लगाए थे। आज हम उसके बाद पढ़ेंगे कोणों के विभिन्न प्रकार। अगला अभ्यास शुरू करने से पहले यहाँ पे हम कोणों के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, कोण हमने बताया था कि कोण किसे कहते हैं। आप पहले कोण जानते हैं किसे कहते हैं, अब उस कोण के प्रकार पढ़ना है। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं, यहीं पर क्या बनता है, एक कोण बनता है। अब ये जो कोण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हमें यही देखना है, पढ़ना है। तो पहला है हमारा न्यून कोण। जिसकी माप जीरो अंश से अधिक हो परंतु 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप जीरो अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं। देखिए, यदि इसे हम कहते हैं क्या है आपका 90 अंश है और इस तरह से करें तो यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, जैसे कि दो लाइन पीछे की तरफ कोण बनेगा, तो ऐसे कोई कोण नहीं बना। तो यहाँ पे 0 अंश से क्या हो, बड़ा हो, और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। ये हो गया 90 अंश, तो 90 अंश से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और 0 अंश से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो, 0 अंश से क्या हो, बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 0 अंश से छोटा हो, जैसे लिखते हैं कमर का टुकड़ा है, बहुत सारे टुकड़ा है, जैसे 10 अंश का, 15 अंश का, 20 अंश का, 30 अंश का, 40 अंश का, 45 अंश का, ये सब क्या है, आपके न्यून कोण है। ये सब क्या है, 0 से बड़े हैं। यदि एक अंश हम लिखेंगे तब भी ये क्या है, एक अंश 0 से बड़ा है। एक अंश हम यदि लिखेंगे तो एक अंश भी क्या है, 0 से बड़ा है, ये भी क्या होगा, आपका न्यून कोण ही होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ऐसा समझ में सबको, ठीक है। अब आगे हम दूसरा देखेंगे क्या, समकोण। आगे दूसरा हम क्या देखेंगे, वह कोण जो 90 अंश का
आधी को। न्यूनकोण हो गया जो जीरो अंश से बड़ा हो और नब्बे अंश से छोटा हो। समकोण हो गया वह कोण जो नब्बे अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। अब तीसरा है आपका अधिक कोण। अधिक कोण देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो परंतु 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा है हमारा किससे बड़ा हो, 90 अंश से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन किससे छोटा हो, 180 अंश से छोटा हो। 180 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, तभी वो क्या होगा आपका, उसके अंदर जितने भी कोण आएंगे 90 अंश से यदि हम क्या कहेंगे अधिक कोण है, एक अंश बड़ा है 90 से। तो जैसे ही 90 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण और 180 अंश से यदि एक पॉइंट भी छोटा है तो क्या होगा आपका अधिक कोण होगा। तो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो, वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 180 अंश से, 180 अंश से छोटा हो, 180 अंश से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण। वह कोण जो जीरो अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जो 90 अंश का हो उसे सम कोण कहते हैं। वह कोण जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ये हो गया आपका न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। आगे देखिए कौन सा कोण बनता है। ये सब याद रखना चाहिए हमेशा। आगे हमें पढ़ना है ऋजु को। आगे पढ़ना है आपको चौथा ऋजु को। ऋजु कोण, अब देखिए ऋजु कोण, वह कोण जिसकी माप 180 अंश की हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। वह कोण कितने अंश की हो, सीधे सीधे 180 अंश की, ना ही एक पॉइंट कम और ना ही एक पॉइंट ज्यादा। यदि वो सीधे सीधे 180 अंश का है तभी वो क्या होगा, ऋजु कोण होगा। वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो उसे ऋजु कोण कहते हैं, उसे ऋजु कोण कहते हैं। अब ऋजु कोण से कहते हैं। अब जैसे ए भी कोई क्या है, ए भी कोई ये क्या है आपका रेखा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ए भी रेखा है, बिंदु सी यहाँ है, तो इस बिंदु सी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, तो इस बिंदु सी पर यदि हम इस तरह से कोण बनाएंगे तो यहाँ पे 180 अंश का कोण बनेगा। क्योंकि देखिए यदि हम यहाँ पे नंबर डालेंगे तो 90 अंश का इधर बनेगा और 90 अंश का इधर बनेगा, तो 90 और 90 कितने अंश का हो गया, 180 अंश का हो गया। तो ऋजु कोण से कहते हैं जो कितने अंश का हो, 180 अंश का हो। अब आगे है आपका बृहत कोण। कौन सा कोण, बृहत कोण। आगे है आपका बृहत कोण। वह कोण जो 180 अंश से बड़ा हो
उससे क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं। वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। अधिक 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा। वह कोण जो 180 अंश से अधिक, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होगा, उसे क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। अब है आपका आगे संपूर्ण कोण। आगे है आपका संपूर्ण कोण। आगे है आपका संपूर्ण कोण। आगे है संपूर्ण कोण। देखिए संपूर्ण कोण, वह कोण जो पूरा पूरा कितने अंश का हो, 360 अंश का। यदि एक बिंदु की चारों तरफ हमने कितने अंश का कोण बनता है, तो एक बिंदु की चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। तो संपूर्ण कोण तभी होगा जब वह पूरा 360 अंश का कोण बनाएगा। एक दूसरा 360 अंश का कोण बनाएगा तभी क्या होगा, संपूर्ण कोण होगा। वह कोण जो पूरी तरह से क्या 360 अंश का कोण बनाए, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 360 अंश होती है, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 360 अंश होती है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 360 अंश होती है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब आगे है आपका शून्य कोण। शून्य कोण का नाम पहले ही आया था, न्यू कोण में ही, कि वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा हो और 90 अंश से, वह कोण जो शून्य अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यू कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आया है आपका शून्य कोण। शून्य कोण देखिए, शून्य कोण क्या है, वह कोण जिसकी माप 0 अंश हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 0 अंश हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 0 अंश हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 0 अंश हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। आया समझ में, न्यून कोण वह कोण जिसकी माप 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होगा, उसे न्यून कोण कहते हैं। फिर सम कोण, वह कोण जिसकी माप 90 अंश का हो, उसे सम कोण कहते हैं। फिर अधिक कोण, वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। और फिर ऋजु कोण, वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो, उसे ऋजु कोण कहते हैं। फिर बृहद कोण, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, उसे क्या कहते हैं, हम बृहद कोण कहते हैं। फिर संपूर्ण कोण, वह कोण जिसकी माप 360 अंश हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। फिर है आपका
नहीं सॉरी, संपूर्ण कोण वह कोण जिसकी माप 360 अंश से हम संपूर्ण कोण कहते हैं। वृहत कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। शून्य कोण वह कोण जिसकी माप 0 अंशों से शून्य कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 0 अंशों से शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कोण। सभी कोण आपने यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है 11.4। अब हम लगाएंगे 11.4 अभ्यास। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है कि निम्नांकित आकृतियों को देखिए तथा कोणों के प्रकार लिखिए। निम्नांकित आकृतियों को देखिए और कोणों के प्रकार लिखिए। यहाँ पे आप कोण बना हुआ है पहले से ही कोण बना हुआ है। अब आपको देखना है कि यह देखकर आप कितने अंश का कोण, मतलब कि देखकर तो बता ही सकते हैं कि कितने अंश का ये कौन से प्रकार का कोण है, कौन से प्रकार का यह कोण है। देखिए जैसे पहला तो केवल इतना पूछा है, ये इतना 0 यहाँ पे a और यहाँ पे b। आप बताइए ये कौन सा कोण होगा। ये होगा आपका, देखिए यदि इस तरह से बन जाता तो कितने अंश का हो जाता, 90 अंश का। ये पूरा बन जाता तो कितने अंश का हो जाता, 90 अंश का। और इस लाइन में कितने अंश का कोण होगा, 0 अंश का। तो ये 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। 90 से छोटा है ना और 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये कौन सा कोण होगा आपका, ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। ये हो जाएगा आपका न्यून कोण, ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अधिक कोण। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा आपका, अधिक कोण। ये हो जाएगा आपका अधिक कोण, अधिक कोण। ये हो जाएगा आपका अधिक कोण, ये 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। ठीक है, ये बना लीजिए ये आप। हो गया होगा, आगे देखिए। आपका ऋजु को अब देखिए चौथा क्या
इस तरह से देखिए।
हैं समकोण, फिर अधिकोण, 90 से बड़ा और 180 से छोटे को क्या कहते हैं? अधिकोण कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? ऋजु कोण, 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। तो ये क्या है, 180 से क्या है आपका बड़ा है और 360 से क्या है ये छोटा है। तो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटे के कोण को क्या कहते हैं हम? बृहद कोण कहते हैं। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश का से छोटे को कोण को क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा कोण? देखिए 180 से बड़ा है और 360 से क्या है? छोटा है। तो ये हो जाएगा आपका किस नाम का कोण है? ये बृहद कोण। ये हो जाएगा आपका बृहद कोण। कौन सा कोण हो जाएगा ये आपका? बृहद कोण, 180 से बड़ा और 360 अंश से छोटा। हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नांकित कोणों में न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण छाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब कोण दिया हुआ है, दिया है क्या 210 अंश, फिर दिया है 147 अंश, फिर दिया है आपका 10 अंश, फिर दिया है आपका 300 अंश, फिर दिया है 54 अंश, फिर दिया है आपका 178 अंश लिख रहा है, फिर दिया है आपका 91 अंश, फिर दिया है कौन सा 91 अंश। अब इतने कोणों में आपको बताना है कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा कोण अधिक कोण है और कौन सा कोण बृहद कोण है। अब आपको छांटना है, तो देखिए पहले हम न्यून कोण छांट लेते हैं। न्यून कोण, तो देखिए न्यून कोण कितने अंश का होता है? न्यून कोण हम किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 अंश से क्या हो? बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। 0 अंश से क्या हो? बड़ा हो और 0 अंश से बड़ा। 0 अंश से तो सभी बड़े हैं, लेकिन अब 0 अंश से बड़ा नहीं हम देखेंगे, क्योंकि 0 अंश से तो सभी बड़े हैं, शून्य तो कोई है नहीं। 0 अंश से बड़ा हो गया, अब देखना है 90 अंश से छोटा कि उसके साथ 90 अंश से छोटा हो। अब देखिए 90 अंश से छोटा क्या होगा? ये 10 होगा 90 अंश से छोटा और होगा आपका ये 54, ठीक है। ये तो 51 भी है लेकिन 1 अंश क्या है इसमें? बड़ा हो गया। तो देखिए अब हम लिखेंगे 10 अंश और 54 अंश, यही दोनों क्या है आपके न्यून कोण है। 10 अंश और 54 अंश यही दोनों क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। अब दूसरा क्या पूछा है? अधिक कोण। अब दूसरा हमें बताना है अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण कितने अंश का होता है? अधिक कोण 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। अधिक कोण पहले हमें पता रहना चाहिए कि अधिक कोण कहते किसे हैं। तो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा तो सभी है, 10 और 54 हमने हटा दिया है, यहां से पूरे 10 और 54 हटा दिया। तो 90 अंश से बड़ा तो सभी है, लेकिन उसके साथ साथ किससे छोटा होना चाहिए? 180 अंश से छोटा होना चाहिए। तो 180 अंश से छोटा क्या हो जाएगा? 147 और 178 और 91। 90 अंश से बड़ा है, 180 अंश से छोटा है। तो 91 अंश, 147 अंश और फिर 178 अंश, ये दो तीनों क्या है आपके? अधिक कोण है। अधिक कोण यही होता है ना, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा। तो ये तीनों 90 अंश से क्या है? बड़े हैं और 180 अंश से छोटे हैं। अब तीसरा क्या पूछ रहा है कि बृहद कोण, तीसरा पूछ रहा है आपसे बृहद कोण, तीसरा पूछ रहा है आपसे बृहद कोण, बृहद कोण। अब देखिए बचा क्या? बृहद कोण किसे कहते हैं? बृहद कोण पता भी रहना चाहिए किसे कहते हैं। तो बृहद कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। बृहद कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। तो 180 अंश से बड़ा, देखिए दो हमारे ये बचे हैं और ये बचे,
इसी के साथ आपका ये 11.4 अभ्यास भी खत्म हो गया। इसी के साथ आपका ये 11.4 अभ्यास भी खत्म हो गया। अब आगे हमें 11.5 पढ़ना है, ठीक है। आगे हमें क्या पढ़ना है, 11.5। तो इसे हम अगले दिन से पढ़ेंगे, इसे हम अगले दिन से शुरू करेंगे, ठीक है। इसे हम अगले दिन लगाएंगे। देखिए हम फिर कह रहे हैं कि सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। जब भी आएंगे आप, आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है। जब भी आएंगे तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी और जो भी पढ़ाया गया है आपसे उसमें पूछा भी जा सकता है। यहाँ पे पढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप घर बैठे हैं तो क्या कुछ सीखें, तो आप भी कुछ बैठकर ही सीखने का प्रयास कीजिए। कहीं आना जाना नहीं है तो आप घर पर ही बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाय बच्चों, ये आपका ख़त्म हो गया है आज।